मेरा ही बेटा है। मैंने तो पहले ही कहा था ये निकम्मा गली के कुत्ते की तरह पिटेगा किसी दिन। हो गई बात सच। प्यारे मित्रों, शेर को बब्बर शेर हुआ है, इसलिए ये छोटा सा पार्टी, पेट भर के खाना। और भाई आज कुछ ज्यादा ही हिल रहा है, बॉडी के पुर्जे ढीले कैसे हो गए तेरे? इतनी धुलाई होगी तो यही होगा ना। तुझे कैसे पता चला मेरी धुलाई हुई है? अबे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ मैं। कौन थे वो लोग? हाँ, उनसे आधार कार्ड मांगता ना कि कौन हो भाई, कहाँ से आए हो। बेबी के पापा ने गुंडे भेजे थे। लड़की के बाप ने मारा, सेम स्टोरी। केशव तूने चुपचाप मार खा लिया? क्या यार, ये किसी गुंडे का काम नहीं लगता है, लगता है किसी धोबी ने तेरे को कपड़ा समझ के धो दिया। लड़की पलटी तो समझ लो फंसी। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या पॉलिटिकल सलाह चाहिए तो ऑफिस पे आ जा। होने वाला मंत्री हो ना, फोन टैप भी हो सकता है, इसीलिए ऐसी बातें फोन पर तो कभी नहीं करनी चाहिए। अरे हेलो, बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? क्या है बे? गिफ्ट। गिफ्ट? गिफ्ट? कहा था ना बाद में फोन करती हूँ, दिमाग मत खराब करो। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो सीधा मुंह पे बोल देती, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता। मेरी बात मानो, मेरा हाथ छोड़ दो, नाले के रास्ते से 100 की स्पीड से 9-11 हो जाऊंगा। मुझे पिटवाने के लिए गुंडे बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे चक्कर में बहुत से इंजेक्शन और गोलियां खा चुका हूं मैं। मुझ जैसे सच्चे प्यार करने वाले को मारना सही नहीं है, पाप है। ओह, आज तो मैं तुम्हारी सिर्फ टांगे तोड़ूंगी। और तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुला रखी है मैंने। एम्बुलेंस बुलवाई है तो फिर मुझे मारेगा कौन? इसके लिए थैंक यू। अब ये लोग सोचेंगे कि ये ऑपोजिशन की चाल है। पब्लिक सिंपथी, ये नरम दिल लोग हैं, अपने नेता को पिटते देखेंगे तो इनका वोट तो मुझे पक्का मिलेगा। तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो और मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता हूँ, इसीलिए सही सलामत खड़ी हो। अब तुम जाओ पतली गली से, मैं चला तरक्की के रास्ते। क्या गोलमाल की तरह गोल गोल घुमा रही है, क्या कर रही हो? छोड़ो, रुक जाओ। तू तो गया। भागो! अरे संभल के। अरे मेरे बटन तोड़ोगी क्या? अरे अरे शर्ट फट जाएगी, छोड़ो, जाने दो। वीरांगना की बेटी हूँ मैं, अगर तुमने अपना थोबड़ा मुझे दोबारा दिखाया ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। आज का दुखद समाचार, हमारे माननीय नेता कुमार केशवन, जिन्होंने देश प्रेम के लिए अपने प्रेम को भी त्याग कर दिया, सदमा लगने